हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू फाउंडेशन क्लासेस। कल थोड़ा मेरी तबीयत खराब हो गई थी, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत खराब हो गई थी। इस वजह से आप लोगों को मैं वीडियो नहीं डाल पाया, क्योंकि मेरा थोड़ा बीपी का प्रॉब्लम है, तो उसमें मेरा बीपी जो था वो 200 अपर था और लोअर 150 था, ठीक है, विच इज़ वेरी 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 रेयर। और डॉक्टर ये कह रहे थे कि मतलब जीवन दान दिया तुमको ईश्वर ने, है ना। तो कल मैं पूरी दिन रेस्ट में रहा, आज मैंने सोचा कि वीडियो डालना जरूरी है। देखिए, लोगों सबने कहा कि भाई रेस्ट करो, लेकिन आप ये सोचिए, सभी काम तो सभी कर रहे हैं कि काम नहीं रुकता। मान लीजिए मेरा कोई शॉप होती या मेरा कोई और प्रोफेशन होता तब भी मैं जाता, है ना। तो ये भी मेरा प्रोफेशन ही है आपको पढ़ाना, और मैं पढ़ाऊँगा ज़रूर। ये अलग बात है कि हाँ कम या ज़्यादा या डिले हो सकता है, बट मैं पढ़ाऊँगा ज़रूर, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग जो मतलब हम लोग फर्स्ट यूनिट कर रहे थे, फर्स्ट यूनिट मतलब यूनिट की फर्स्ट एक्सरसाइज थी, तो वो हम लोगों ने करी थी। कुछ सवाल उसमें रह गए थे जो कि ये हैं, इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन मैं लगाने जा रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बेटा कि अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। तो ये तो हो गया सिलेंडर, है ना, दिस इज द सिलेंडर। सर माउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, कॉनिकल टॉप ऐसा हो गया, ठीक है। सरमाउंटेड का मतलब होता है बेटा किसी चीज के ऊपर कोई चीज अगर स्टेबल है तो सरमाउंटेड। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, जो हाइट है इसकी सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो कितनी है और डायमीटर कितना है। हाँ, ये देखिए लिखा हुआ सिलेंड्रिकल पार्ट आर जो हाइट है एंड डायमीटर, हाइट कितनी बेटा, हाइट 2.1 मीटर में है, और जो इसका डायमीटर है, डायमीटर है 4, ये पूरा है 4 मीटर। तो 4 मीटर इज, इट मींस इसकी रेडियस कितनी हो गई बेटा, 2 मीटर हो गई रेडियस, ठीक है, 2 मीटर रेडियस हो गई। और कह रहे हैं कि द स्लेंट हाइट इज 2.4, स्लेंट हाइट यानी ये वाली हाइट जो है ये है 2.4, ठीक है 2.4। और फाइंड द एरिया, यहाँ एरिया होगा, एरिया ऑफ द कैनवस फॉर मेकिंग द टेंट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट एट द रेट ऑफ 1500 पर मीटर स्क्वायर। देखिए, हमें जब भी कभी कोई चीज को कवर करना हो, कहें कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ टू कवर समथिंग, है ना, या फिर आपको टेंट लगाना होगा, तो उस सब केस में हम लोग क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं, वो भी कौन सा, कर्व, बेसिकली कर्व सरफेस एरिया का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आपके पास दो मतलब टू बॉडीज हैं, एक तो है हमारी सिलिंड्रिकल और एक है कॉनिकल, ठीक। तो हम लोग सिलेंडर का पहले निकालेंगे, मतलब इसे निकालेंगे कैसे कि हम इसका सेपरेट निकालेंगे, इसका निकालेंगे और दोनों को कर देंगे एड, देन यू फाइंड द, ये है मेरा 2, ठीक है, रेडियस 2। अब चलिए करते हैं आगे का क्वेश्चन। तो हम लोग निकालेंगे सरफेस एरिया, मतलब डिटेल में इसकी डायमेंशंस नहीं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, जिससे सवाल लगा रहा हूँ, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आसान है, कोई क्वेश्चन में ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। सरफेस एरिया 2 pi, कौन सा सरफेस एरिया बेटा, कर्व सरफेस एरिया, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 pi r h हो गया, और जो ये है हमारा क्या नाम है इसका, कॉनिकल। तो सरफेस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, कॉनिकल पार्ट जो है वो, तो हमारा हो गया वो कितना, देखिएगा बेटा पाई आर एल, है ना। तो हमारा जो टोटल क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया वही क्या है हमारा, क्लोज रिक्वायर 4 for 10, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्लोज फॉर टेंट। तो वो क्या होगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन, ठीक है। अभी भी मेरा बीपी जो है वो 150 से नीचे नहीं पहुंचा, और अपर जो है वो 150 था आज जो मैंने मेजर कराया मॉर्निंग इवनिंग में, और जो लोअर था वो 110 था, है ना। वो धीरे धीरे कवर अप हो जाएगा, डजंट मैटर, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन, है ना, चीजें चलती रहनी चाहिए। तो देखिए 2 pi r h plus pi r l, तो पाई आर हमारा कॉमन आ गया, 2 h plus l हो गया इधर, पाई 22/7 इंटू आर, हमारी रेडियस कितनी है 2 है, और इंटू ये हमारा देखिए कितना है 2h, यानी 2 इंटू हाइट कितनी 2.1 है, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा 2.4 हो गया।
देखोगे 22.7 इंटू टू इंटू 2.4 और प्लस इसमें हम 4.2 ये हो गया और 2.4 जब ऐड कर देंगे तो ये जाएगा 22.7 इंटू टू इंटू 6.6 ये डिवाइड नहीं होगा शायद, ये मुझे गलत लग रहा है, मैंने सिर्फ 2.4 गलत नोट कर लिया है, मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार। ये बेटा मैंने यहाँ पे गलत बाद में थोड़ा नोट कर लिया, ये हो गया 2.8 हुआ है यहाँ पे, ठीक बेटा। तो यहाँ पे 2.8 कर लेते हैं, तो 2.8 हो जाएगा, स्लेंट हाइट इसकी 2.8 है, ठीक है। तो 2.8 हो जाएगा तो ये जाएगा 7.0, ठीक है जाती। अब ये क्या होगा, ये कट गया पूरा का पूरा और ये आ गया 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 44 मीटर स्क्वायर जो है इसके लिए रिक्वायर्ड है पूरा टेंट बनाने के लिए। अब ये बाद में क्या कह रहे हैं, बाद में कह रहे हैं कि भाई इसमें कॉस्ट कितनी आएगी पूरे टेंट को बनाने में, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, देखिए कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल एरिया जो आया है, एरिया इनटू रेट, रेट जिस रेट से वो है उसकी प्राइस जो है, तो हम लगाएंगे 44 इनटू रेट हमारा कितना है बेटा 500 पर मीटर स्क्वायर है ना, तो 54 जा कितना हो गया, 54 जा हो गया 22 और 20 रुपीस, लगभग 22,000 रुपए का खर्चा इसे बनाने में आएगा। ये बहुत ही आसान ऐसा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान पैटर्न में आया है और आप आसानी से समझ भी गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसको चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटा, जो समझ में ना आए वो पूछ लीजिएगा बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच साइड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, इफ द हेमिस्फीयर ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 10 सेंटीमीटर नहीं 10 नहीं 16 सेंटीमीटर आई थिंक 16 सेंटीमीटर ठीक है, बेस रेडियस इज 16 सेंटीमीटर फाइंड Base radius 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द TSA, टोटल सरफेस एरिया निकालना। क्वेश्चन कुछ इस जो इसका डायग्राम है कुछ इस तरह से है, वो ये कह रहा है कि भाई एक सिलेंडर है जिसमें से स्कूपिंग आउट का मतलब होता है निकाल लिया गया, क्या निकाल लिया गया, इसमें से हेमिस्फीयर इधर से निकाला गया और हेमिस्फीयर ही निकाला गया इधर से, ठीक है। और कह रहे हैं कि जो बेस रेडियस है, चाहे इधर से रेडियस हुई 3.5 और चाहे ऊपर रेडियस हुई कितनी 3.5, ठीक है। और हाइट ऑफ द सिलेंडर, और सिलेंडर की हाइट कितनी थी, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है बेटा। तो कह रहे हैं कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, बहुत ही आसान है, आप कर चुके हो पहले भी टोटल सरफेस एरिया निकालने का खेल, चलो फिर से करते हैं। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ये कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का निकालेंगे, तो कर्व्ड सीएसए ऑफ सिलेंडर कितना होता है बेटा 2πRh, क्योंकि आर इसमें एक ही रहनी है, क्योंकि कॉमन जो है रेडियस दोनों की कॉमन है। फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ, कर्व सरफेस एरिया क्यों, कर्व सरफेस एरिया क्यों, क्योंकि ये फ्लैट सरफेसेस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सीएसए ऑफ द हेमिस्फीयर, मैं एक्चुअली कोई साउंड आई मुझे तो मैं कहूं पता नहीं कहां से आवाज आ रही, इसीलिए मैं रुक गया था। हेमिस्फीयर, ठीक है, क्योंकि दो हेमिस्फीयर हैं तो 2 लगा लेंगे और लिखेंगे 2πr², ठीक है। एक मिनट रुक देख लूं कौन, ठीक है 2πr². अब हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया
टू पाई आर एच प्लस फोर पाई आर स्क्वायर। ओके, तो पाई क्योंकि आर कॉमन है तो हम लोग पाई आर कॉमन ले लिए, अंदर का बचा टू एच प्लस फोर आर, तो पाई 22/7 हो गया। रेडियस कितनी है 3.5 है और 2h कितना है, हाइट बेटा 10 दे रखी है। बस देखो इन क्वेश्चंस में एक चीज ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चंस में बहुत हड़बड़ी नहीं करनी है आपको, आराम से रिलैक्स होके बस देखते जाओ, लगाते जाओ लगाते जाओ, कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि अगर आपने हड़बड़ी करी तो कहीं ना कहीं फॉर्मूले में गलती या वैल्यू गलत रख दोगे या कहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा और फिर सवाल आपका पूरी मेहनत बर्बाद। ठीक, तो 4 × 3.5 ठीक है। अब देखें हो जाएगा है ना, ठीक है, तो ये हो गया। मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं 22/7 × 3.5 × 34, तो ये कट जाएगा, ये हो गया 0.5 और 0.5 की मल्टीप्लाई 34 से होगी तो कितना हो जाएगा 17 × 22। मल्टीप्लाई कर लो 17 × 22 का तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एक पहली एक्सरसाइज फिनिश होती है और हम लोग दूसरी स्टार्ट करते हैं अभी के अभी। थर्टीन पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर वन कह रहा अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। ठीक है, कह रहे कि एक सॉलिड है जो कोन की फॉर्म में है। ठीक है भैया, हो जाता है कोन की फॉर्म में क्या, बहुत बड़ी बात है ना। ठीक है, कह रहे हैं कि कौन कौन की फॉर्म है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। भैया एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर है एक कोन। ठीक है, हाँ हेमिस्फीयर बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल, रेडियाई जो है वो इक्वल है, इसकी और इसकी रेडियाई इक्वल है, एंड वन टू वन सेंटीमीटर इक्वल टू वन सेंटीमीटर। तो ये कितना है रेडियाई, रेडियाई कितनी है 1 सेंटीमीटर है। ठीक बेटा, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, तो जो कोन की हाइट है मतलब ये वाली जो हाइट है वो इसकी रेडियस के बराबर है, ये भी बन हो गई। ठीक है बेटा, एंड रेडियस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई, तो सॉलिड जो बन रहा है उसकी जो वॉल्यूम होगी वो आपको फाइंड करनी है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें अलग अलग निकालना है, दोनों का ऐड कर देना है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 πr² और पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई आर क्यूब 4/3 πr³। और जो इसका वॉल्यूम ऑफ जो हमारा ये है बोलेंगे कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr² h, 1/3 πr² h। अब देखिएगा यहाँ पे, चलो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो टोटल वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम मैंने पहले ही बताया, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, किसी चीज के अंदर कितना मटेरियल है, अगर वो खाली है हॉलो है तो उसमें कितनी एयर आ सकती है, उसकी कैपेसिटी ही इसका वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3, मतलब मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको लिखना पड़ेगा। अरे यार